रविवार को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजन नाम से एक योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य में अब गरीब और जरूरतमंद लोगों को केवल 10 रुपए में भरपेट भोजन मुहैया कराया जाएगा। उम्मीद की जा रही है महंगाई के इस दौर में जरूरतमंदों को इससे कुछ राहत जरूर मिलेगी। महाराष्ट्र की शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने राज्य में 26 जनवरी से शिव भोजन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को सिर्फ 10 रुपए में खाना मुहैया कराया जा रहा है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने पिछले महीने ही इसे मंजूरी दी थी और अब इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। फिलहाल महाराष्ट्र में 125 सेंटर्स पर शिव भोजन योजना की शुरुआत की गई है और आगे इसका विस्तार करने की योजना है। जाहिर है 10 रुपए के खाने की थाली मिलने से जरूरतमंद लोगों को इस महंगाई के दौर में काफी राहत मिली है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी जो गरीब है गरीब लोगों के लिए भी अच्छा है, जो अमीर है अमीरों के लिए भी अच्छा है, मध्यम वर्गीय के लिए भी अच्छा है। 10 रुपए का सवाल नहीं, खाना अच्छा है। मैं आज यहाँ पे जा रहा था, मैं शिव भोजन थाली देखा और शिव भोजन थाली बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी योजना है। खाना की क्वालिटी अतिशय सुंदर है, घर से अच्छा खाना है और मैं ट्रैवलर्स हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही और मैं सरकार के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। 10 रुपये में तो कुछ मिलता नहीं है, वो मिला वो ही बड़ी बात है। जो मैं अपना महाराष्ट्र शासन की तरफ से उसका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा महिला बचत का नाम है जय संतोषी माता महिला बचत गढ़। आज उद्धव साहब ने शिव थाली का जो योजना निकाला है, शिंदे साहब ने उसका उद्घाटन किया, सभी गरीब और ज्येष्ठ नागरिक उनके लिए सब जो रहेगा उनके लिए ये खाना रखा है, तो बहुत अच्छी तरह से इस स्कीम का आयोजन किया है उन्होंने। कोई भी गरीब आ सकता है और खाना खा सकते हैं। शिव भोजन थाली में 2 रोटी, 1 सब्जी, चावल और दाल होगी और भोजन परोसने वाली कैंटीन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुलेगी। ग्राहकों को हर थाली में सिर्फ 10 रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें बाकी 40 रुपए का सहयोग सरकार करेगी। मुंबई के एक सेंटर में इस योजना की शुरुआत कर युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कहा कि इस योजना का मकसद है जरूरतमंद को सस्ता और अच्छा खाना मिल सके, फिर चाहे उनकी जाति और धर्म कुछ भी हो। शिव भोजन योजना के तहत राज्य सरकार पायलट परियोजना शुरू करेगी जो कि 3 महीने चलेगी। इसके अंतर्गत हर जिला मुख्यालय में एक शिव भोजनालय खोला जाएगा। सरकार इसमें 6,04,00,000 रुपए खर्च करेगी। खाने की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण लोगों को ऐसी कैंटीन काफी रास आ रही है। रेणु गड़िया की रिपोर्ट, गो न्यूज़।